बलरामपुर के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को टिकट मिलने में जहां परेशानी है, वहीं अंदर से दलालों को टिकट धड़ल्ले से मिल रही हैं। तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट घर में जहां टिकट मशीन बरसों से खराब पड़ी है, वहीं टिकट विंडो एक होने के कारण लोगों को टिकट मिलने में आधा से एक घंटा तक लग जाता है और अंदर से दलालों को टिकट देने में टिकट बाबू बिजी रहते हैं। यात्रियों ने बताया कि हम लोग एक घंटे से खड़े हैं और टिकट नहीं मिल पा रहा है, जबकि आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ट्रेन आने वाली है, इसी में बोल दिया जाता है कि फुटकर पैसा लेकर आओ, तथा अंदर से दलालों को टिकट दिया जा रहा है। मात्र एक ही विंडो खोलने से जहां टिकट मिलने में देरी होती है, वहीं कहीं कभी तो गाड़ी भी छूट जाती है। टिकट मशीन के लिए तथा दो टिकट खिड़की खोलने के लिए व्यापार मंडल तुलसीपुर सहित कई लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की थी, किंतु आज तक रेलवे विभाग लोगों की बात अनसुनी कर वैसे का वैसा ही बना हुआ है, जिससे यात्रियों को भारी दुविधा होती है। आर्य समाज तुलसीपुर संरक्षक जय सिंह ने मांग की है कि दो टिकट विंडो खोले जाएं तथा टिकट मशीन भी चालू किया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके। उन्होंने रेलवे प्रशासन से ये मांग की है कि सवारी गाड़ी में सवारी गाड़ी का ही पैसा लिया जाए तथा वृद्ध और महिलाओं के टिकट पर भी छूट दी जाए। हम तो तुलसीपुर ही रहते हैं। अच्छा, कहीं जा रहे हैं? हाँ, जो है गोरखपुर। अच्छा अच्छा, तो टिकट के लिए कितने देर से लाइन में खड़े, क्या परेशानी हो रही है? आधा घंटा से तो ऊपर हो गया, ये लाइन बगल वालों को दे रहे हैं। हाँ, लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो है टिकट ही जो है। अंदर से सुना है दलालों को भी टिकट दे रहे हैं। हाँ, वो तो सब हो रहा है हर तरह का। जो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं कि काउंटर हम खोल दें, फिर जो है जीआरपी की भी व्यवस्था हो। यहाँ कोई कोई सुविधा है नहीं, न कोई देखने वाला है ना, अव्यवस्था है सब। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।